गोवा में बीजेपी को एक और झटका लगा है। पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पारसर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या थी उनके इस्तीफे की वजह, एक मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में समझिए। गोवा बीजेपी में टिकट बंटवारों को लेकर बवाल जारी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। पार्सेकर 2014 से 2017 के बीच गोवा के मुख्यमंत्री थे। उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पार्सेकर आगामी गोवा चुनाव के लिए बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख भी थे और पार्टी की कोर समिति के भी सदस्य थे। बीजेपी ने 14 फरवरी को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, जिनमें उनका नाम शामिल नहीं था। पार्टी ने उनकी मांद्रेम विधानसभा सीट के लिए मौजूदा विधायक दयानंद सोपते को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से पार्सेकर नाराज चल रहे थे। गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव है और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। इससे पहले मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्कल पर्रिकर बीजेपी छोड़ चुके हैं और उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।